बिजरवा में पैसे के लेन देन में प्रॉपर्टी डीलर युवक की गोली मारकर हत्या। पार्टनरशिप में कमीशन के पैसे के लेन देन में विवाद के बाद हत्या का आरोप। मुबारकपुर थाना अंतर्गत बिजरवा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के पीछे कल देर रात लगभग 9 बजे प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक हरिकांत यादव उम्र 32 वर्ष स्वर्गीय राजकरण यादव ग्राम मोजरापुर थाना कोतवाली आजमगढ़ का निवासी था। मृतक की हत्या पैसे के लेन देन में हुई है यह आरोप है। मृतक के पार्टनर रमाकांत पांडे निवासी आजमपुर और सुरेंद्र यादव निवासी कुरौड़ा व पवन व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मृतक के भाई द्वारा मुबारकपुर थाना में FIR दर्ज कराई गई है। मृतक के भाई ने बताया कि इन लोगों का पार्टनरशिप में लगभग 7 से 8 साल से प्रॉपर्टी का काम चल रहा था। मृतक अपने हिस्से का पैसा कई दिनों से मांग रहा था, जिसको यह लोग देने में आनाकानी कर रहे थे। मृतक के भाई ने बताया कि कल सुबह भी पैसे के लेन देन के लिए इन लोगों में झड़प हुई थी और फिर शाम को मृतक घर से निकला था कि मैं जा रहा हूँ, आज हिसाब किताब करके कुछ पैसे लाऊंगा। मृतक के भाई ने बताया कि मृतक अपने को घिरता देख रात में अपनी बहन को मुंबई फोन किया कि आज यह लोग मुझे मार डालेंगे। बहन ने फोन करके घर पर अपने भाई व परिवार को सूचित किया। जब तक परिवार वाले मौके पर पहुंचते तब तक उसकी हत्या हो चुकी थी। सूचना मिलते ही मौके पर थाना मुबारकपुर पुलिस पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दी। मृतक दो भाई और एक बहन है। मृतक की एक 4 वर्षीय पुत्र व 7 वर्षीय पुत्री है। पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल गहनता से की जा रही है। सुनते हैं मृतक हरिकांत के भाई ने क्या कहा। हरिकांत यादव कहाँ के रहने वाले हैं? मजरापुर कोतवाली। मृतक का क्या नाम है? हरिकांत यादव। क्या मामला, क्या घटना हुई? घटना ये लोग जो लोग मुलजिम है ये लोग जमीन का धंधा करते थे। हाँ, हमारे भाई पैसा मांगा। हाँ, आज 2 महीना से आज बयान करता ना, लोग अपना पीओ के झगड़ा किए। हाँ, तो कहने भाग जो सारे पैसा ना दे बने तो मार दे गोली। हाँ, तो कल 6 या 6:15 बजे उतने हमारे टाइम ना ही है अभी। हाँ, उसके बाद हमारे भाई को लोग बुलाए, आओ हिसाब किताब हो जाए, पैसा वैसा ले लो। भाई हमारा गया करीब हम 8:45 बजे फ़ोन करें भाई के नंबर पर। हाँ, कि कहाँ हवे भाई नहीं लेना। तो कहला कि भैया आधी घंटा में आवत हैं पंडित जी, मामा हम पवन भाई हम कहीं हिसाब किताब होता है। हाँ, हम कहने ठीक तीन जल्दी ये माई जो है खाए खाते तब तो उसके बाद जो है हम पटाए गए नहीं कि चला ठीक है वो अब करी। हाँ, उसके बाद ये लोग वहाँ हिसाब करते कर, तू मैंने कह ली है झगड़ा उगड़ा कि हमारा भाई जो हमारी बहन की फ़ोन किया बम्बई कल ऐसा है कि हम आज को मार दें। फिर करे बाद जो बहन जो है हमारे घरे फोन कर हमारे नंबर पर लड़का हमारा उठावल कल पापा के लेके जो रे भैया को मार दें। कौन है मारने? क्या ना है, रमाकांत पांडे सुरेंद्र यादव जो फोन करके बुलाया था उसका नाम है पवन। अच्छा, ये लोग कब से प्रॉपर्टी का काम करते थे? अरे पंडित जी करीब 3-9 साल से हैं पंडित जी हरिकांत के साथ है। आज जो सुरेंद्र यादव है तो मामा है। हाँ, अब पवन जो है जीवन दो 4 महीना से दोस्ती हुई है। ये गोली के बाद आपको कब सूचना? अरे जब हमारी बहन फोन की हम और हमारे लड़के वहाँ से निकल लिए। जब निकल लिए उसके बाद गए वहाँ काकू कोड़ावा में झगड़ा हुई है। जो मारने वाले कहाँ के रहने वाले हैं लोग? एक कोड़ावा के हैं। हाँ, पंडित जी आजमपुर के हैं। हाँ, पवन उन्हीं के साथ में रहते हैं, उनका मैं एड्रेस नहीं जानता हूँ। मृतक के पास कितने बच्चे हैं, शादी हुई? हाँ, एक लड़की है 7 साल का, एक लड़का है 4 साल का। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव ने क्या कहा, सुनते हैं। युवक की हत्या हुई, क्या कहेंगे इस पर? ये मुजरापुर के हरिकांत नाम के लड़का है, आयु 35 वर्ष होगी। सज्जन लड़का था पर कुछ 21 विवाद में इनकी हत्या इस लड़की की कर दी गई। अब ये प्रशासन द्वारा इसे खुलासा जल्द होने ही वाला है। शायद सुनने में आया कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, पर ये बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह अपराध हो आज इस समय होने वाले इस समय में तो ये उचित नहीं है नौजवानों के लिए।
हम तो यही प्रशासन से उम्मीद करते हैं, अगर एक दरखास्त कोई देता है तो उस दरखास्त पे तत्काल कार्रवाई की जाए, न कि देरी की जाए कि ऐसी घटनाएं आने सारे समय में हो जाएं। और बाकी प्रशासन तो खैर जुटी हुई इस मामले में है। दुख इस बात का भी होता है कि अभी नौजवान लड़का था, आयु 35 वर्ष थी, बच्चे छोटे हैं और परिवार हमारा तो घर आना जाना भी था। देख के बहुत दुख होता है कि क्या बोला जाए, समाज में ऐसी घटना हो जा रही है, प्रशासन को इस पर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसे नौजवानों के साथ ऐसे या किसी के साथ भी ऐसी घटना न हो।